शेर पढ़ता हूँ और आप लोगों के सामने वो शायर सलाम तशरीफ रखते हैं जो दिल खैराबादी के से कांधे मिलाकर पढ़ते हैं। जब वो मैक पर आते हैं मैक भी डर से कांपने लगता है। इतने जबरदस्त शायर, इतनी जबरदस्त आवाज वाले शायर हैं। तो आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिनको माँ से मोहब्बत है एक बार सुभान अल्लाह कहिएगा एक शेर माँ के हवाले से कि माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, खुश रंग फिजाओं की हया कर नहीं सकता, माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, खुश रंग फिजाओं की हया कर नहीं सकता, दुनिया की तमाम दौलतें लुटा कर भी कली नहीं, दुनिया की तमाम दौलतें लुटा कर भी कली नहीं, कोई माँ के दूध का हक अदा कर नहीं सकता। हुसैनाबाद को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, हुसैनाबाद को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, हुसैनाबाद को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, माशाअल्लाह। आप लोग ईमानदारी से शेर सुनते हैं, दाद भी देते हैं, खाद भी देते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैरात दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए नहायत अदब एहतराम के साथ मैं जनाब नसीमुद्दीन राही को आवाज दे रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए और नाते नबी का नजराना पेश करे। शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि हर मर्ज का उतर गया पानी, हर मर्ज का उतर गया पानी, मैंने जमजम का जब पिया पानी, हर मर्ज का उतर गया पानी, मैंने जमजम का जब पिया पानी, देखकर हुस्ने मुस्तफाई को, देखकर हुस्ने मुस्तफाई को चांद के मुंह में आ गया पानी, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौ करो तस्वीर बन गया पानी, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वजू और मैं टपका पानी, वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, कलीमी पीजा ये बचा हुआ पानी। मौजूद सामने इकराम डाइस पर बैठे हुए मुअज्जज उलमा इकराम, वो शोरा इजाम और खूबसूरत निजामत कर रहे पूरे सीमांचल में तहलका मचाने वाले नाज़िम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी और हमारे दोस्त जनाब साजिद रहमानी साहब की एक फोन पर मेरी हाजिरी हुई और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचीज को इस खूबसूरत महफिल में और खूबसूरत गांव में दाखिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्रिया है। आइए हजरत सब लोग एक बार अपने लबों को थोड़ी सी हरकत में डालिए और एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आइए हजरत हिंदुस्तान के जितने भी शोरा गुजरे उन्होंने अपने कलम को उठाने से पहले, लिखने से पहले उन्होंने हमदे हमबाग का जिक्र किया है, उसके बाद उन्होंने अपनी कलाम को तरतीब दिया है। आइए बस हमदे हमबाग के चंद अशआर आपके हवाले वाले कहा हुआ है। बिल्कुल मकतब के बच्चे
जो पढ़ते हैं मैं उस किताब से अखज कर कर किया हुआ हूँ, और बहुत सारे बच्चे भी हैं इंशाल्लाह वो भी समझेंगे कि ये हम क्या हकीकत है। अभी तक तो लोग नहीं समझे, इंशाल्लाह पढ़ने के बाद समझते हैं कि बच्चे भी समझ जाएंगे। आइए हजरत मैं हम दिखा के एक मतलब चंद्र हाजिर कर रहा हूँ जब फरमाए के आ सर को झुका, क्या बात है क्या बात है, के आ सर पे झुका गीत फुका की हमद के गाए, के आ सर हमें माँ बाप दिए हैं।
माशाल्लाह एक बार दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हजरात आपके पास एक मतला और चंद अशआर आपके हवाले करने का मौका है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। आइए हजरात देखिएगा कि इल्म में इल्म आता है कि उल्फत बसा लीजिए इल्म आता है कि उल्फत बसा लीजिए इल्म आता है कि उल्फत बसा लीजिए इल्म सुन्नत नबी की सजा लीजिए मिटा दीजिए
नसीब मीर राय जिंदाबाद, सारी जैसे रहमान इंसान जिंदाबाद, हिदायतुल्लाह रहमान इंसान जिंदाबाद, आमिर रहमान इंसान जिंदाबाद। माशाल्लाह ये बेहतरीन तरन्नुम के शानशाह शानशाह तरन्नुम जनाब नसीमुद्दीन राय साहब, दिलकश आवाज, सुनहरी आवाज, बेहतरीन अशआर, बेहतरीन अंदाज, इनायत नवाजी। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे धीरे धीरे गर्म हो गए दो 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 और यूं कह लीजिए कि सुपौल जिला जिला नुमाइंदगी करते करते जनाब साजिद अली बानी साहब, अभी ना आप 307 करोड़ के बारे में कहा तो उनका सदका अदा करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ हदीस के हवाले से कि अगर हर आदमी को 307 करोड़ का रोजाना सदका अदा करना है, मैं उसमें एक नुस्खा बता पता क्या बात है। अगर आपके यहाँ तो बता दूँ समझ समझिए कि मस्जिद मस्जिद में अगर कभी दिन का पड़ा हो उसको उठा के बाहर फेंक दे, इंशाल्लाह 307 करोड़ का सदका अदा होता है। क्या बात है। आइए हजरत, जिस दहलीज पर इस्लाम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और मुसलमान सब के साथ जिंदगी गुजार रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये सब अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जरूर कबूल होगा। और जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं अल्लाह उनको भी उसको नाबूद फरमाएंगे। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमत इस्लाम को मिटने नहीं देंगे, देखिए मेरे साथ अजमत इस्लाम को मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे अजमत इस्लाम को मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे सुबह।
के बाजी कर रहा है लाजा फरमाए कि कुरान की तालीम के फैला के जहां में फैला के जहां में कि कुरान की तालीम को फैला के जहां में कि कुरान की तालीम को फैला के जहां में फैला के जहां में फैला के जहां में चाहे कभी बच्चे को हम रहने नहीं देंगे सुभान अल्लाह कि चाहे कभी बच्चे को हम रहने नहीं देंगे रहने नहीं देंगे मिट के भी नसीब मजहब इस्लाम के ऊपर मजहब इस्लाम के ऊपर मिट के भी नसीब मजहब इस्लाम के ऊपर मजहब इस्लाम के ऊपर हरे हाँ